न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज 9. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, बाय हाउ मच इज 64,37,859 लेस देन 70,16,418. एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहां पे कि 5 लेस देन, सपोज यहां पे लिखा है कोई भी नंबर हो सकता है, 2 लेस देन 10 कितना होगा. यहां पे सपोज 2 लिखा है, 2 लेस देन 10 कैसे कैलकुलेट करेंगे. 2 लेस देन 10, 2 10, 2 कितना है, कितना लेस है 10 से, तो 10 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा. ऐसे यहां पे इस नंबर, ये नंबर कितना लेस है इससे, तो सब्ट्रैक्शन से हमको पता चलेगा. तो आइए सॉल्व करते हैं इसको. तो यहां हम लोग बड़े नंबर पे छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. लिखेंगे कैसे, 64,37,859 इज लेस देन 70,16,418. इससे कितना कम है, तुम सब्ट्रैक्शन करेंगे. अब देखिए 8 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये यहां से बोरो लेगा और बोरो लेके 8 जो है 18 बन जाएगा. 18 में 9 गया 9, अब ये 1 नहीं रहा, बोरो देने के बाद ये 0 बन गया. 4 से ये बोरो लेगा और कितना बन जाएगा, ये 0 10 हो जाएगा, और 10 में 5 गया 5. अब यहां पे आते हैं, ये 4 नहीं रहा क्योंकि इसने 1 को बोरो दे दिया था, इसलिए 3 हो गया. 3 में 8 जाएगा नहीं, तो ये 6 से बोरो लेके 13 हो जाएगा, और 13 में 8 गया 5. 6, अब 6 नहीं रहा क्योंकि इसने बोरो दे दिया था 4 को, 6 की जगह हो गया 5. 5 में 7 जाएगा नहीं, बोरो लेगा 1 से और ये बन जाएगा 15. 6 जो है 15 बन चुका है, 15 में 7 गया तो 8 आया. अब यहां 1 था, 1 6 को बोरो दे चुका है, यहां पे अब 0 हो गया. 0 में 3 जाएगा नहीं, तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास खुद 0 है, तो फिर ये 7 से लेगा, तो 7 क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा. 7 6 हो गया इसको बोरो देने के बाद, और ये 0 जो है 10 में 10 बन गया. अब 10 क्या है, इसको बोरो देगा अपने से छोटी जो प्लेस वैल्यू वाला डिजिट है, मतलब यहां 0 को देगा, तो 0 ये 10 बन जाएगा, और ये 0 क्या बन जाएगा, 9. अब यहां 10 बन चुका है, 10 में 3 गया 7, ये 0 क्या है, 9 हो चुका है, 9 में 4 गया 5, और यहां पे तो 6 रह गया था, 6 में 6 गया 0. हेंस 64,37,859 इज कितना कम है, 57, यहां पे हम लोग सॉरी 5,78,559 लेस देन 70,16,418. इससे इतना कम है. इस तरह से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. By how much does 71,02,340 exceed 68,24,572? ये पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब कितना ज्यादा है, उससे कितना आगे है. तो ठीक है, कितना आगे है, तो बड़े में इसको, ये इस नंबर में इसको लेस कर देंगे, पता चल जाएगा. 71 में इतना लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 71,02,340 कितना एक्सीड कर रहा है. तो लिखना कैसे है देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था. 71,02,340 एक्सीड्स 68,24,572. तो इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए 0 में 2 जाएगा नहीं, तो इससे बोरो लेगा, तो 4 क्या हो जाएगा, बोरो देने के बाद बचेगा 3, और 0 10 हो जाएगा, तो 10 में 2 गया 8, अब 4 क्या 3 है. अब 3 में 7 जाएगा नहीं, तो इससे बोरो लेगा, ये बन जाएगा 13, 13 में 7 जाएगा तो 6 आएगा. अब 3 क्या है, बोरो देने के बाद यहां पे सिर्फ 2 रह गया था, लेकिन 2 में 5 जाएगा नहीं, तो यहां से वो बोरो लेगा और बन जाएगा 12, 12 में 5 गया तो 7 आ गया. ठीक है, अब यहां पे ये 2 इसको बोरो देने के बाद 1 बन गया था, 1 में 4 जाएगा नहीं, तो इससे बोरो लेगा, इसके पास खुद नहीं, तो ये इससे बोरो लेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 फिर बोरो देगा इसको, तो ये 11 और ये 9 हो जाएगा. 11 में 4 गया 7, 9 में 2 गया 7, और यहां पे 0 बचा था जो कि 10 हो चुका है क्योंकि इससे इसने बोरो ले लिया है. 10 में 8 गया 2, और यहां पे तो 6 हो गया था बोरो, 6 हो गया था बोरो देने के बाद, 6 में 6 गया 0, तो कितना एक्सीड कर रहा है. हेंस 71,02,340 एक्सीड्स
कितना आगे है इससे, 68,24,572 से बाय 2,77,768, ये इसका आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाय व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक दिस। तो जब भी पूछा जाए कि इसमें क्या ऐड करें कि वो इतना बन जाए, तो जितना बनाना है उसमें इसको माइनस कर देना है। सपोज यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, यहां पे सपोज 2 लिखा है, 2 में क्या ऐड करें कि वो 5 बन जाए, तो 2 में क्या ऐड करें कि 5 बने, 3 ऐड करें। कैसे पता चला, 5 में 2 को माइनस किया तो 3 आ गए। यहां भी हमें वैसे इसको माइनस करना है। और एक तरीका यह भी है कि जब भी हमसे पूछा जाए कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जो भी है, तो इसका एक तरीका कि हम ये लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, वो जो नंबर आप मांग रहे हैं, जो हमसे फाइंड करवा रहे हैं, जो आपको चाहिए वो नंबर क्या है। तो आप इस तरह से भी आंसर लिखना लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं ये अगला क्वेश्चन, द रिक्वायर्ड नंबर, वो नंबर कैसे आएगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, द रिक्वायर्ड नंबर, वो जो नंबर आप मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं, है ना, वो कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्शन से मिलेगा। कैसे सब्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या ऐड करें कि ये बन जाए ऊपर वाला नंबर, तो उसमें माइनस कर देते हैं। अब देखिए कैसे माइनस करना है, देखिए 4 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 4 इससे बोरो लेगा और ये बन जाएगा 14। 14 में 9 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां आ जाएगा 5। अब ये क्या हुआ, ये तो 1 बचा, लेकिन 1 में 6 हो जाएगा नहीं, तो इससे बोरो लेके ये बन जाएगा 11। 11 में 6 गया तो कितना आएगा यहां पे, 5। 11 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 आया। अब ये तो ऑलरेडी 2 बच चुका था बोरो देने के बाद, तो 2 में 4 जाएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इससे बोरो लेके ये 12 बनेगा। 12 में 4 गया, कितना आएगा, 12 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहां पे 8 आएगा। ये बोरो देने के बाद 3 बचा हुआ था यहां पे, 3 में 8 जाएगा नहीं, इससे बोरो लेगा और ये 13 हो जाएगा। 13 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब देखिए यहां पे क्या है, बोरो देने के बाद ये बन गया था 5, 5 में 7 जाएगा नहीं, इससे बोरो लेगा और ये बन जाएगा 15। 15 में 7 माइनस करेंगे तो यहां आएगा 8। अब ये बोरो देने के बाद सिर्फ 0 रह गया था, 0 में 6 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इससे बोरो लेके ये बन जाएगा 10 और 10 में 6 गया 4 और यहां पे तो 5 बचा और 5 में 5 गया 0। तो ये इस नंबर को अगर हम ऐड करें इसमें तो ये बन जाएगा। अब लिखना कैसे है आंसर देख लीजिए। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 4,85,855 मस्ट बी एडेड टू 56,78,469 टू मेक 61,64,324। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 90,05,413 टू गेट 79,06,547। इसको कितना कम करें कि इतना बन जाए, तो कितना कम करें, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा ये कितना लेस होगा। तो यहां भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन थर्ड 3 की तरह, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये सबसे सही तरीका है सॉल्व करने का, क्योंकि आखिरी के स्टेटमेंट में तो हम बता ही देते हैं पूरा आंसर में। तो यहां पे हम अगर लिख दें द रिक्वायर्ड नंबर और ये सॉल्व करके फिर स्टेटमेंट बना के हम यहां पे लिखें तो ये ज्यादा सही होगा। तो सॉल्व नंबर 4 देखते हैं, लिखते हैं इसको। यहां 3 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहां से बोरो लेगा और यह बन जाएगा 13। 13 में 7 गया तो यहां पे आएगा 6। अब ये 1 क्या, यहां पे 0 रह गया था, 0 में 4 जाएगा नहीं, यहां से बोरो लेगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में 4 गया 6, बोरो देने के बाद यहां पे 3 बचा था, 3 में 5 जाएगा नहीं, तो बोरो लेगा और ये बन जाएगा 13। 13 में 5 ये 8 होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। अब ये बोरो देने के बाद यहां पे 4 बचा था, 4 में 6 जाएगा नहीं, यहां से बोरो लेगा, तो इसके पास तो खुद नहीं है, तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास जाएगा। तो ये देखिए बोरो देने के बाद यहां पे 8 बचेगा और ये हो जाएगा 10, ठीक है।
लेकिन 10 जब इसको बोरो दे देगा तो यहां फाइनल हमको 9 मिलेगा। यह हम लिख दें यहां पे 10 लिख के कट कर दें और यहां 9 लिख दें, फाइनल 9 होगा। और ऐसे यहां पे ये 10 बनेगा इसको, जब इसको मिलेगा और ये भी इसको दे देगा तो यहां पे भी 9 बचेगा इसको देने के बाद, और ये 14 हो जाएगा। 14 में 6 जब माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। और ये फाइनली ये 9 था, 9 में 0 गया तो 9 हुआ, और यहां भी 9 है, 9 में 9 गया 0, और 8 में 7 गया 1, तो सब्ट्रैक्शन करने पे हमें ये मिला। आंसर का जो स्टेटमेंट लिखना है वो क्वेश्चन की लाइन से कॉपी कर लेंगे, व्हाट मस्ट बी, तो व्हाट की जगह ये लिख देंगे और बाकी एज इट इज क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड है ना, 10,98,866 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइनल उसका आंसर लिख देंगे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1,36,04,050। वन नंबर दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करना है, तो सम में वन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कैसे लिखना है इसको। तो सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर भी हमारे पास है, अदर नंबर फाइंड करना, तो सम में वन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अदर नंबर आ जाएगा। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। तो जीरो में वन जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको यहां से बोरो लेना पड़ेगा और ये बन जाएगा 10। 10 में वन गया 9, अब यहां 5 बोरो देने के बाद ये 4 बचा था, 4 में 6 जाएगा नहीं, इससे बोरो लेगा और ये बनेगा 14, और इसके पास खुद नहीं था तो इसने इससे बोरो लिया होगा, तो ये तो 3 बन गया, ये 10 बना, और 10 इसके बाद देने के बाद ये बन जाएगा, ये 10 बनेगा, वो भी कटने के बाद यहां पे 9 रह जाएगा। अब 9 में 3 जाएगा कितना आएगा, तो पहले अच्छा 14 में 6 माइनस करते हैं तो यहां से 8 मिलेगा, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहां हमें 6 मिल गया। अब 3 में 4 जाएगा नहीं, इससे बोरो लेगा, तो इसके पास खुद कुछ नहीं है तो इससे बोरो लेगा, तो ये बोरो देने के बाद 5 बना, बोरो देने के बाद ये लेने के बाद ये 10 बनेगा, लेकिन इसको दे दिया तो 10 से ये फिर हो जाएगा 9, और ये बोरो लेने के बाद 13, 13 में 4 गया तो यहां हमें मिलेगा 9, और 9 में 2 गया 7। अब 5 में तो 8 जाएगा नहीं, इससे बोरो लेगा और ये बन जाएगा, बोरो लेने के बाद 15 बन जाएगा, ये 15 में 8 गया कितना मिलेगा, 15 में 8 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो हमें मिलेगा यहां पे 7। अब ये बोरो देने के बाद यहां पे 2 रह गया था है ना, तो इसको कंबाइन लिख लें, या ये 12 हो जाएगा यहां पे, तो ये 12 में 7 गया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 12 में 7 गया 5, तो दूसरा नंबर ये होगा, अदर नंबर ये होगा। अब स्टेटमेंट आंसर का क्वेश्चन से ही कॉपी कर लेंगे। द अदर नंबर इज, ये हमको अदर दूसरा नंबर मिल गया, जो सब्ट्रैक्शन पर रिजल्ट आया वही हमारा अदर नंबर होगा, 57,79,689। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है।